कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आजादी से। आज जो हमारे गेस्ट हैं साहबजादे हैं गौहर अयूब खान साहब के, और इनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक है। तो आप समझ ही चुके होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब उमर अयूब खान साहब, चलते हैं करते हैं उनसे बहुत सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपके दादा फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, फील्ड मार्शल क्या है, लोगों को ये समझाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, आपकी टीम ने टाइम निकाला आज के इस इंटरव्यू के लिए। फील्ड मार्शल एक रैंक होता है, 5 स्टार्स होते हैं। आपकी आर्मीज आपने जंग लड़ी हो, जीती हो, उसके लिए आपको एक ही टाइटल दिया जाता है। जिस तरह फील्ड मार्शल मंटगमरी हो गए, फील्ड मार्शल रोमल हो गए, फील्ड मार्शल ऑकनलिक हैं, ये यहाँ पे रह चुके हैं, पाकिस्तान के कमांडर चीफ भी रह चुके थे, फिर बरतानिया में फील्ड मार्शल भी रहे थे, फिर अयूब खान साहब को ये रैंक मिला था। और ये फॉर लाइफ होता है, फुल जनरल के 4 स्टार्स होते हैं, फील्ड मार्शल के 5 स्टार्स होते हैं। तो एक आप समझें कि सुप्रीम कमांडर ऑफ़ द आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, ऑफ द आर्मी। जिस वक्त आज भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का K2 कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सेकंड प्लांट है उसकी आज इनॉग्रेशन भी हुई। तो इसकी बुनियाद जो है अयूब खान साहब ने 1961 में रखी थी, पिनस्टेक यहाँ पे आपके नीलोर में इस्लामाबाद के करीब एक छोटा रिएक्टर बनाया गया था, और ढाका में एक जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था एक लीनियर एक्सेलरेटर बनाया गया था। और उस वक्त पाकिस्तान के आज़ाद हुए हुए तकरीबन आप समझें कि 13-14 साल थे, और आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में बहुत चंद ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान तकरीबन 3रा या 4था मुल्क था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम में रहबर 1 और रहबर 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। दुनिया में उस वक्त अमेरिका, रूस और फिर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था जो कि स्पेस में गया था। और अयूब खान साहब की सोच यही थी कि इसको वेपनाइज हम लोग किसी भी टाइम कर सकते हैं, यानी कि इसको जौहरी ताकत के लिए, एटॉमिक वेपन्स के लिए किसी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर रिसर्च और टेक्नोलॉजी हम लोग अभी से शुरू करें। तो वो बेस जो उन्होंने रखी, फिर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर उसके बाद तरबेला डैम, मंगला डैम, मोमंद डैम, मुख्तलिफ डैम्स थे, 10 से 12 डैम्स उन्होंने उस वक्त बनाए। फिर नहरी निज़ाम बनाया पाकिस्तान का, पाकिस्तान स्टील मिल्स, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला, टैंक रीबिल्ड फैक्ट्री, कामरा, ये वो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी। और फिर इस्लामाबाद का दारुल खिलाफा यहाँ पर पाकिस्तान का मुंतकिल किया, और एक दुनिया में सबसे खूबसूरत दारुल खिलाफा है। फिर ढाका शहर उन्होंने बनाया था, ढाका पहले नहीं था शहर। अयूब खान साहब जिस वक्त जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे 1948-49 में, तो उन्होंने उसको मतलब बनाया। तो उनकी विजन थी, वो दोनों ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों को डेवलप करना चाहते थे, और बेतहाशा डेवलपमेंट हो रही थी पाकिस्तान की। बल्कि कोरिया ने पाकिस्तान से आके अपनी 5 ईयर प्लानिंग उठाई और उसको उन्होंने वहाँ पे फिर इम्प्लीमेंट कराया। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब अपने जलसों में जब भी होते हैं वो मिसाल देते हैं कि 60 की दहाई में जो तरक्की हो रही थी उसकी बुनियादी वजह ये थी, कमिटमेंट, साफ़ सुथरी टीम, अच्छी लीडरशिप। और जहाँ पे भी दुनिया में जाते थे, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो रूस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, उनको जो रिसेप्शन वो ममालिक देते थे वो पाकिस्तान की ताकत की वजह से देते थे। फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, गौहर अयूब और अब उमर अयूब खान, तो आप इस फैमिली लेगेसी को किस तरह देखते हैं? लेगेसी इस तरह है जी कि फील्ड मार्शल अयूब खान साहब तो एक मिलिट्री के शख्स थे, मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने 6 इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह लड़े और जीते। मैं ख़ुद सियासत में 2001 से आया और इलेक्शन में जीता भी हूँ और हारा भी हूँ, फील्ड वर्कर हूँ, और ये अवाम की ताकत होती है, वोट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1,72,250 वोट लेके कामयाब हुआ, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल असेंबली में सबसे हाईएस्ट वोट थे। ये क्रेडिट हरीपुर की अवाम को जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विजन जो था वो उनका टिकट था अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की कोशिश की है हमेशा की खिदमत करें, उसी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, आप एक स्काई डाइवर, पैराग्लाइडर पायलट और कमर्शियल पायलट भी हैं,
तो इतने सारे एडवेंचरस किस्म के जो मिनिस्टर हैं आप, तो कैसा लगता है ये सब कुछ? एडवेंचर तो जी स्काई डाइविंग करता था जिस वक्त अमेरिका में पढ़ता था, वीकेंड्स पे जाके स्काई डाइविंग करनी, फ्लाइंग करनी, और उसके बाद फिर लाइसेंसेस लेना प्राइवेट पायलट, फिर कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, मल्टी इंजन जेट, साथ साथ एक शौक होता है इंसान का, वो चलता रहा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में आके फिर कारोबार, सियासत, टाइम नहीं मिलता था, फिर पैराग्लाइडिंग शुरू की। तो ये एक फ्लाइंग के साथ, एविएशन के साथ एक लगाव है जो इंसान के अंदर एक होती है, एक लगन होती है किसी प्रोफेशन या किसी हॉबी के साथ एक लगाव। तो टाइम निकालना पड़ता है और चैलेंजिंग काम है, ट्रेनिंग होती है, उसको आप कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर इंसान करे। और हमारे पाकिस्तान हैंग ग्लाइडर पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट हैं सजाद शाह साहब, उनकी टीम है, उनके साथ करते हैं, उनसे सीखा पैराग्लाइडिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पायलट्स हैं पाकिस्तान में। बल्कि ये भी कहता चलूं कि सजाद शाह साहब एक्सपर्ट पायलट हैं, जिन्होंने राकापोशी के ऊपर तक वो पैराग्लाइडर को लेके गए 26,000 फुट तक। ब्रैड सैंडर्स हैं, दूसरे एक अमेरिकन पैराग्लाइडर हैं, पाकिस्तान में ही होते हैं, उन्होंने भी राकापोशी के ऊपर तक वो गए थे। दूसरे साहब थे वो मोटराइज पैराग्लाइडर पे नंगा पर्वत के ऊपर से उन्होंने तक वो लेके गए। तो ये स्किल की बात होती है, स्किल है, कमिटमेंट चाहिए होती है। फाइनेंस, एनर्जी, इकोनॉमिक अफेयर्स, इस सारे सफ़र में आपने खुद को कैसा पाया? फाइनेंस बड़ा अच्छा सवाल है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस था 2003 से लेके 2007 तक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लर्निंग की। और पाकिस्तान उस वक्त तरक्की कर रहा था, ग्रोथ रेट भी अच्छी थी, डेवलपमेंट भी हो रही थी। और अभी भी एक चैलेंज, सबका हुकूमत ने जो हमें विरसे में दिया वो एक किस्म के खंडरात दिए, और इमरान खान साहब का और उनकी टीम की कोशिश है कि उससे निकाला, और अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। टाइम लगेगा पर बेहतर और मज़ीद बेहतरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई भी इंडिकेटर देखें, फॉरेन रिमिटेंसेस देखें, कोविड देखें, और चंद ममालिक हैं दुनिया में जो कि कोविड के इस वबाव से भी वो रिकवर करके आगे आ रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उन चंद ममालिक में है। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को देखें, वहाँ पर जो तबाही मची है, बाकी ममालिक भी देखें, पर सही पॉलिसीज़ टाइम पर डिसीजन लेना, उससे हम लोग निकले हैं। एनर्जी में भी जो जितनी कोशिश की हमारी टीम ने वो आपके सामने ही, अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट हो रही है एनर्जी के सेक्टर में, और मज़ीद भी होगी, और अभी इकोनॉमिक अफेयर्स में भी कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे पोर्टफोलियोज में आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा अपना? सारे पोर्टफोलियोज का एक अपना चैलेंज होता है, और आपको देखना पड़ता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में क्या, पीएम साहब कहते हैं कि आपके पास एक जस्तजू होनी चाहिए, आपके पास एक फायर इन द बेली जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए। तो कौन सा पोर्टफोलियो आपको सबसे बेस्ट लगा अपना? पोर्टफोलियोज बहन हर एक चैलेंजिंग होते हैं। फाइनेंस जो है उसका तो पूरी मईशत पे के ऊपर असर होता है, एनर्जी, पेट्रोलियम और पावर तवानाई, उसका भी जिस हालत में हमें मिला था ये पोर्टफोलियो, उसको ठीक करना, लाइन लॉसेस कंट्रोल करना, चोरों को पकड़ना, फिर मुआहदे ठीक करने आईपीपीस के साथ भी, फिर जो हमारा एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट करने कतर के साथ, नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से, फिर जो नई मार्केटिंग कंपेटिटिव मार्केट्स बनानी, हमारी पॉलिसीज़ लानी, रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसीज़ लानी, जहाँ पे तकरीबन आज का एनर्जी मिक्स हमारा बिल्कुल गलत हुआ हुआ था गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से, उसको ठीक करना, तो बहुत वहाँ पे मेहनत करनी पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी इकोनॉमिक अफेयर्स में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि केपीके के साथ तो हमने फाइनलाइज़ कर लिया, अभी सुबह पंजाब के साथ कर रहे हैं कि 5 बेसिक एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोगों ने अभी अपनी जो फंडिंग है वो करनी है। वो है आपका फार्म टू मार्केट रोडें, आपके देहात से या आपके फार्म से शहरों तक रोडें, फिर आपकी कोल्ड चेन यानी कि जहाँ पे सब्जी मंडी होती है वहाँ पे कोल्ड चेन बनाना, फिर आपका ड्रिंकिंग पीने का साफ पानी, फिर आपका सूरज और सैनिटेशन उसको ठीक करना, टेक्निकल ट्रेनिंग, उसके लिए फंड्स जो हैं हमारे पास हैं भी, और उसको रीओरिएंट करके सूबों से इम्प्लीमेंट करना। तो हर एक वजारत का अपना एक फ्लेवर होता है, एक चैलेंज होता है, और सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। आवाम को फ़ायदा देने का हमारी पूरी कोशिश है। सही। जितना अरसा आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जब तक आपने 60 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाने दिया डॉलर, ये कैसे हुआ? हालात उस वक्त मुख्तलिफ थे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, स्टेबिलिटी आई हुई थी, इन्वेस्टर्स आ रहे थे, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर,
मैं समझता हूँ कि उसके 10 साल बाद जो हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बहुत ठेस पहुँचाई। करप्शन थी हर चीज़। एक चीज़ आपकी तवज्जो से आवाम को नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, जो चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं करप्शन, करप्शन वो ऐसा दीमक है जो कि मुल्क की बुनियादों को ख़राब कर देता है, और उसी करप्शन के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म साहब जिहाद कर रहे हैं। करप्शन ख़त्म होगी, इन्वेस्टर्स और लोग जो हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे पाकिस्तान आना शुरू करेंगे। और अभी भी आप देखें तरसीलात जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं इन दिनों में सिस्टम्स ठीक हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली आने शुरू हो गए हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारा कोविड के बावजूद आपकी तरसीलात या आपकी रेमिटेंसेज सारे रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं, तो यही हमारी कोशिश है। और आप या डिवेल्यूएशन का फैक्ट देखें तो सबसे ज़्यादा PML सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, और अभी हम लोग उस पर कंट्रोल पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं नाज़रीन हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग। सनसेट या सनराइज? सनराइज। सनराइज। कॉफी और टी? टी। टी। गर्मी या सर्दी? सर्दी। सर्दी। स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स? दोनों। एक सिलेक्शन है आपने। डिपेंड करता है। मेरे ख्याल ज्यादा टाइम पॉलिटिक्स में गुजरता है, तो पॉलिटिक्स मौका मिलता है तो स्पोर्ट्स। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? इमरान खान। इमरान खान। और कुकिंग का शौक है आपको? 0/0 अंडा बना लेता हूँ, फ्राई अंडा। फेवरेट फूड कौन सा है आपका? भिंडी। भिंडी बहुत पसंद है। बचपन से अब तक कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ शरारतें क्या होती थी आपकी, किस तरह या शरीफ मासूम से बच्चे होते थे? आर्मी बनहल कॉलेज में था, फौजी निज़ाम था, शरारत होती तो डंडा लगता था, तो सारे सीधे के सीधे होते थे हम लोग। KPL की हैपनिंग को आप किस तरह देखते हैं कि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल हर तरह के प्लेयर्स खेलेंगे, तो ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप सोच भी नहीं सकते इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। पिछले दिनों मैं मुजफ्फराबाद में था, मीडिया के कोई साथी आए हुए थे, हम लोग साथ ही सारे पैराग्लाइडिंग करके हमने लैंड किया था, वो इंटरव्यू कर रहे थे। मैंने कहा यहाँ पे आप देखें कि आज़ादी है, और उस पार आप बॉर्डर के पार चकोटी से पार चले जाएं और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, और वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे एक इस तरह का खौफ का समा फैला हुआ है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर मुकम्मल आज़ादी, लोग इंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ पर हिंदुस्तान की हुकूमत मोदी सरकार ने जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जिस तरह के नाट्सी जर्मनी ने किया था उसी तरह का वहाँ पे उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। और KPL का मुजफ्फराबाद में कश्मीर में होना, लोकल टैलेंट भी आएगा और एक मैसेज इंशाल्लाह ताला दुनिया को नज़र आएगा कि LOC के उस पार क्या दहशत फैली हुई है और यहाँ पे क्या आज़ादी है पाकिस्तान में और कश्मीर में। एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आपको? मेहनत करें, मेहनत करें, पाकिस्तान को हमेशा और मेहनत से अपने ऊंचा लेके जाएं, और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सपोर्ट करें, क्योंकि इन्होंने जो अलम उठाया हुआ है पाकिस्तान को तब्दील करने का, वो इंशाल्लाह उसके लिए पूरी पाकिस्तान की अवाम की मदद की ज़रूरत है, रब की मदद की ज़रूरत है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, जब तक लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। Let's hope.